माय नेम इज राज मिश्रा। मैं इस पिक्चर का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, जिस पिक्चर का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और उसके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा, प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी सर। सर, ये डायरेक्टर गायब है, आपसे कब मुलाकात हुई आखिरी बार? मेरे से जब मुलाकात हुई कम से कम 2 हफ्ते हो गए, वो ऑफिस में थे, ऑफिस से उनका कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस था लखनऊ में, तो ऑफिस से लखनऊ के लिए निकले, फिर मेरी उनकी मुलाकात उसी टाइम पे हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। तो ये क्या विवाद बढ़ता जा रहा है क्या, जो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? विवाद बढ़ता जा रहा है नहीं कि देखो, 6 दिन, आज 6वां दिन है, डायरेक्टर गायब है, घर वाले परेशान, पूरी टीम परेशान, मैं परेशान, भाभी परेशान, भैया परेशान, पूरी यूनिट परेशान है, प्रोड्यूसर साहब परेशान है। वो जब लखनऊ से गए थे कलकत्ता के लिए, उस टाइम बोल के गए थे कि रात में एक कुछ इनका मुकदमा है, उनके लिए उनको नोटिस आया था इस पिक्चर को लेके, तो पिक्चर के लिए गए थे लखनऊ, इधर कलकत्ता लखनऊ से फ्लैग से, उसके बाद उनका मोबाइल वहाँ पे जाने के बाद स्विच ऑफ आने लगा। आज 6वां दिन है, उनका कुछ पता नहीं कि वो कलकत्ता में कहाँ है, नहीं है, कौन सी पुलिस बुलाई थी, वो सब अभी तक वो ही रह गए हैं। तो ये जो फिल्म है, आप शूट के दौरान भी थे, कहीं ना कहीं कहानी जो है काफ़ी ऐसी है जो प्रतिबंधित है, कहानी कुछ? कहानी तो ऐसी, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं इस पिक्चर का ईपी रहा, इस कहानी को लेकर डायरेक्टर एक्टर जितने जानते उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो थे बांग्लादेश के मुस्लिम लोहंगा जो होते हैं, वो कैसे आते थे इधर, आके कैसे शिफ्ट होते, वही सब दिखाया गया, बाकी कुछ नहीं। इस पिक्चर की शूटिंग ये सब पहले कम से कम 3-4 साल से चल रहा काम, ये नहीं कि कल शूटिंग हुआ परसों, नहीं, इसका टीजर लॉन्च होकर 1.5 साल हो गया। लेकिन आपकी फिल्म के रिलीज होने के बाद ही ये सोने पे सुहागे वाली बात बांग्लादेश का मैटर हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, तो ये हमको तो पता नहीं था कि पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च करेंगे, पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च करेंगे ऐसा कांड हो जाएगा, इतनी बड़ी सीएम रेप केस का भी हो गया। हाँ, रेप केस भी हो गया, वो सब तो हमको पता नहीं था कि ये सब हो रहा है, और वो जो कर रहे हैं वो तो गलत है, वो सब नहीं करना चाहिए। हम तो फिल्म मेकर, हम तो फिल्म बनाना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता कि इंडिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। जो सत्य घटना में पिक्चर है, हमारे डायरेक्टर साहब वही उसी को लेके पिक्चर बनाते हैं, और उनको कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि ये अपनी फिल्म के लिए जानबूझकर छुपे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बड़ा डायरेक्टर इतना घिनौना हरकत कर ही नहीं सकता। उनके घर वाले रो रहे हैं, इनकी बेटी है वो भी रो रही है, घर वाले कलकत्ता जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है वो छुपे होंगे। FIR ली जा रही है? FIR तो कल लखनऊ में किए तो नहीं किए गए, बोले कि उनके FIR जो करना है वो कलकत्ता जाके करना पड़ेगा उनको।